नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको लीची के प्रबंधन के बारे में जानकारी लेने आप लोगों के लिए मैं वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह के पास आया हुआ हूं और उनसे कुछ लीची के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहूंगा। ले चलता हूं आपको। हाँ नमस्कार किसान भाइयों, जो कि लीची का बाग आप देख रहे हैं हमारे सामने है और इस समय आप देख रहे हैं कि बौर खूब खिली हुई है और लवंग जैसे कुछ छोटे छोटे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें फलक अब आ गई है और फलक के साथ ही साथ हम और नज़दीक से इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसमें फूल खिले हुए हैं और किस तरीके से हम इनका प्रबंधन करें और हमारा बाग जो है खूब इस तरीके से फलक में भी अच्छे खासे रहे। तो किसान भाइयों देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हम देख रहे हैं कि बाग में जब हम अपने जाते हैं तो हमें इतना खूबसूरत अपना खुद का बाग दिखना चाहिए कि जिससे कि लगे कि हाँ इसमें कोई ना कोई शस्य क्रियाएँ साल भर हम लोग करते रहे हैं। तो जब शस्य क्रियाएँ साल भर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आसपास का वातावरण भी काफ़ी स्वच्छ रहता है और पौधे भी आपके काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे बाग में बागवानों को जो अक्सर करनी चाहिए वो है उसका अच्छे से प्रबंधन, और प्रबंधन में उसके खान पान से लेकर उसके रोग कीट और जो उसकी कटाई है छटाई है ये सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि बाग में जब तक हल्की सी कटाई छटाई नहीं की जाए तो बाग में रोशनी अच्छी नहीं आती है, और जैसे ही आप हल्की कटाई छटाई करते हैं तो साथ ही साथ उसमें नए कल्लों का सृजन भी होता है, और आप जानते हैं कि नए कल्लों पर ही हमारे जो है पुष्प लगते हैं और उन्हीं पुष्प में जाके आगे हमें फल मिलते हैं और हमारे फल उतने ही रसीले होंगे। तो रसीला अगर फल हमें करना है तो आपको उसके अंदर जैविक पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आजकल फल की जो साइज़ है वो छोटी होती जा रही है, उसका गूदा जो है कम होता जा रहा है, और उसमें जो रस था और जो महक थी, जो हम कहते थे कि लीची के बाग में एक अजीब सी गुलाब की खुशबू आती है, कहते हैं शाही गुलाब की खुशबू आ रही है, तो वैसी खुशबू हम फिर अगर वापस लाना चाहते हैं तो उसका प्रबंधन उसी ढंग से हमें करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम आप देखें कि इसमें खाद का बहुत अच्छा प्रयोग करें। तो जैविक खाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी खाद है जो किसान भाई हमारे अपने प्रक्षेत्र पर भी तैयार कर सकते हैं। नेडप की खाद है, सड़े गोबर की खाद से भी आप तैयार कर सकते हैं, CPP भी है, और जो गाय की सींग से भी जो सिलिका डाल के बनाते हैं खाद उसका भी बड़ा महत्व है इसमें। तो आप देखेंगे कि इन खादों का अगर हम प्रयोग करें अपने बगीचे में 60 से 70 किलो तक अगर हम एक पेड़ के पीछे हम अगर उसको डालते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है उसकी बढ़वार भी बड़ी अच्छी होगी और पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। तो रही तो बात खाद की, दूसरी बात आती है जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करते समय भी लोग केमिकल बताते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप बायोडायनेमिक पेस्ट लगाइए, BD ट्री पेस्ट लगाइए। ये पेस्ट इतना बढ़िया है, गाय के गोबर मूत्र और मदार की पत्तियां हैं, आपके पास नीम की पत्तियां हैं, इनके बहुत से तरीके से हम इनको जो तैयार कर सकते हैं। अब नीम की जो गिरी है उससे हम जो है तैयार करते हैं नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है या नीम ऑयल है। आप देखते हैं कि अब बौरों पर ध्यान दें, इस समय जब खुली अवस्था हो तो उसमें आप बिल्कुल कोई छिड़काव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे लवंग जैसे इसमें बनना शुरू हो जाए, मतलब इसमें फ्रूट सेटिंग शुरू हो गई है, तो आप इसमें नीम का जो है निम्बिसिडीन या नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। और नीम ऑयल का जब स्प्रे करेंगे तो देखेंगे आप इसके अंदर जो सबसे बड़ी लीची में समस्या होती है कि उसके अंदर छोटा सा कीट चला जाता है अंदर और उसको खा के फल को हमारे को ख़राब कर देता है। ये टहनियों में भी चला जाता है, नई कोपलों में भी जाता है, और जब हमारी मंजरी लगती है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इन सब से बचने के लिए आप इसमें 5 ml प्रति लीटर दर के हिसाब से नीम की जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, आप वर्मी वास का भी अगर स्प्रे करें तो आप देखेंगे 5 ml कम से कम 1 लीटर पानी में वर्मी वास भी अगर आपने डाला है तो जो कह रहे थे कि फल में जो उनकी गिरत होती है या उनमें जो लगते नहीं है फल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो आप देखेंगे इसमें भी बहुत बड़ा अच्छा रोकथाम है वर्मी वास का। साथ ही साथ आप पंचगव्य का इस्तेमाल करें, पंचगव्य जो है 30 ml प्रति लीटर के हिसाब से, आप जानते हैं कि उसमें गाय का घी है, गोबर है, मूत्र है, इससे हम पंचगव्य तैयार करते हैं। तो ये पंचगव्य भी अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रोग कारक हैं इसमें आपके बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रयोग करने की विधि है इसको हर 15-15 दिन पर जरूर करते रहें और अपने बाग की साफ सफाई बहुत अच्छी रखें, क्योंकि जो भी कीट हैं वो कहीं ना कहीं क्षति करने के बाद अपने अंडा देने के लिए जमीन या भूमि की तलाश करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूँगा कि अगर आप मौन पालक की मदद लें इसमें, मधुमक्खी अगर अपने बाग में दो बक्से रख दें, अगर 1 हेक्टेयर का बाग है तो 10 बक्से बहुत हैं, तो एक तो आपको
लीची के स्वाद वाला इतना खूबसूरत और खुशबूदार शहद मिलेगा जो कि अमृत के समान है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी पैदावार जो है लीची की वो 20-30% तक बढ़ जाती है। तो जैविक विधि से अगर हम लीची के बाग का प्रबंधन करें, मौन पालन को उसके साथ जोड़ दें, इससे हमें अतिरिक्त आय भी मिलेगी और हमारी उत्पादन और उत्पादकता भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया किसान भाइयों, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें। धन्यवाद।